गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका डॉट आरुषि। और मैं हूँ प्रियंका। सुबह के बज रहे हैं 7 और अभी से हम कर रहे हैं अपने ब्लॉग को स्टार्ट। आरुषि चली गई है स्कूल और गए हैं उसे छोड़ने के लिए आरुषि के दादू और उसके पापा। तो उसी बीच में हम बना ले रहे हैं अभी सुबह का चाय। लेकिन लाइन चली गई है, अभी गई है, तो फटाफट से बना लेते हैं अभी चाय। तो सुबह सुबह मीरा दीदी काम करके चली गई है क्योंकि वो 5:30 बजे आ जाती है। आज मैं बनाने वाली हूँ एक बहुत स्पेशल चीज जो कि है तालेर बड़ा। लेकिन उसके लिए उसको तैयार करना पड़ेगा, घिस के छान के। लेकिन वो अभी नहीं बनेगा, मैं शायद लंच के बीच में बनाऊंगी उसे। लंच बनाते बनाते नवीन आ गया है, फटाफट से निकाल देते हैं चाय। पहले क्या होता था, सुबह उठ के ही, मतलब सुबह कितने बजे उठते थे, 4 बजे। हम तो पहला मैनेज नहीं कर पाते थे ना, जब 4 बजे उठ करके, तब पापा ड्यूटी जाते थे, तब उठ करके ही सीधा दाल चढ़ा, उसके बाद झाड़ू पोछा करके, खाना बना करके ढेर सारा, तब पापा जाते थे ड्यूटी। याद है हम लोग 9 बजे तक सारा काम वाम खत्म करके तुम लोग चले जाते थे, 9 बजे तक खाना बना के कंप्लीट करके सब सो जाते थे। क्योंकि तीनों थके रहते थे। तुम लोग ड्यूटी है, हम लोग तो पूरा थके हुए, हम लोग सो जाते थे। सिर्फ चावल बनाना रहता था, 12:30 बजे चावल बनाते थे, बना के खा पी के फिर सो जाते थे। एक ही बार शाम को उठते थे जब पापा आते थे। और तुम ही ले जा रहे आते थे ज्यादा, तो जब पापा ड्यूटी जाते थे तब। अभी भी भागा दौड़ी है थोड़ा सा, सुबह उठ के ही जल्दी जल्दी पूजा करो, क्योंकि एक्चुअली भागा दौड़ी है पूजा के लिए, क्योंकि सुबह पहला काम होता है पूजा करना झाड़ू पोछा के बाद। ये तो हमारे घर से, घर में पहले से ही होता है कि झाड़ू पोछा के बाद ही नहा लो, नहा के पूजा कर लो। लेकिन सबके घर में ही ऐसा होता है अधिकतर। सुबह का शुरुआत झाड़ू पोछा घर के ही, नहाओ पूजा। इसी के लिए हम लोग को पहले उठना पड़ता था, और कोई बात नहीं। वैसे तब हम लोग पूजा नहीं करते थे, तब मम्मी पूजा करती थी ना करके, हम लोग इधर खाना वाना बनाते थे। तो चाय पीना हो गया है कंप्लीट, अब लगते हैं फिर से काम में।
दिखा इधर, मेरा अच्छा नहीं आया फोटो? एक बार दिखाओ लाइट में, लास्ट एक बार। अरे कुछ नहीं कर रहे, एक बार बताओ, दिखा दो। अच्छा ठीक है, लिपस्टिक लगाने के बाद दिखा दो। अच्छा चलो दिखाओ, दिखाओ जल्दी। हाँ रेडी, 1 2 3 टेक 1 दिखा। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो दोपहर के बज रहे हैं 12 और मैं आई हूँ अपना लंच बनाने के लिए। आरुषि को स्कूल में टिफ़िन खिलाने गई थी, तो वहाँ से उसको सीधा लेकर के ही मैं घर आई, मतलब करीब 1 डेढ़ घंटा बाद। उसके बाद ना मतलब मेरा सर इतना दुख रहा था, तो मैं थोड़ी देर के लिए ऐसे मतलब लेट गई। उसके बाद आरुषि को नहलाया, अभी वो फ्रूट्स खाई, अब वो खेलने गई है नीचे मंदिर तरफ गई है, और मैं आ गई हूँ लंच बनाने के लिए। और लंच में आज बनेगा सिंपल चावल दाल, और सोच रही हूँ कि चोखा बना लूँ। आज थर्सडे है, खाना मैंने चढ़ा दिया है और आज बिल्कुल भी कुछ और खाने का मन नहीं है, एकदम सादा खाना खाने का मन है, जैसे कि दाल भात चोखा और चटनी अचार पापड़ ये सब ले लूँगी तो लंच हो जाएगा। आरुषि चल गई नीचे खेलने के लिए, और बाहर में ना धूप भी है और बादल भी लगे हुए हैं, बारिश भी नहीं हो रही है, तो इस वजह से ना बहुतों की तबीयत कुछ ख़राब हो ही रही है। तो कल फीवर जैसा था, फिर मैंने पैरासीटामोल ले लिया था तो ठीक थी, लेकिन आज स्कूल से आने के बाद मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। तो अभी थोड़ा देर खाना बना रही, चढ़ा दिया है वो, बनते बनते मैं थोड़ा देर मतलब ऐसे ही बैठ के या टीवी वी देख करके ही करूँगी, फिर आरुषि आ जाएगी, उसे खाना खिलाना है। और आज एक मतलब चीज़ हमारे घर पे आया है जो कि है ताल, तो ताल का ना मैं वो छोटे छोटे पकौड़े बनाने वाली हूँ, देखते हैं थोड़ी देर बाद बनाएंगे खाना। ऐसे तो प्लानिंग था खाना उना बनाने के बाद ही बनाऊँगी, क्योंकि पहले लंच बन जाए उसके बाद उसको तो टाइम लगता है प्रोसेस करने में। तो मेरा लंच बन के तैयार है और सिर्फ अभी चोखा बनाना बाकी है अभी भी, और हम यहाँ बना रहे हैं, मैंने कहा था ना वो ताल का पकौड़ा बनाऊंगी, तो उसके लिए ही मैं यहाँ एक बैटर रेडी कर रही हूँ जिसमें है मैदा, चीनी, खाने वाला सोडा और मिल्क पाउडर और चावल का आटा, और इसके साथ मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, यहाँ मैंने नारियल लिया है एक छोटा सा, उसी को मैंने ग्राइंडर में पीस लिया है। इसको मैंने दरदरा इसलिए पीसा है क्योंकि ये एक्चुअली में पिसाता नहीं है, इसको हम वो एक होता नहीं है वो घुमाने वाला, उसी से
नारियल को अच्छे से कोड़ लेते हैं। बरसात के दिन में ही ये मिलता है और घर घर में इसे बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं लोग। हम लोग जब छोटे थे ना तो अक्सर किसी के ना किसी के घर से स्मेल आता ही था ये सब का। मम्मी उतना ज़्यादा नहीं बनाती थी लेकिन पसंद आता था। आसपास में जितने बंगाली आंटी लोग रहते थे या कोई भी रहता था ना, वो लोग के घर में ये बनता ही बनता था, तो मतलब हम लोग बहुत पसंद से खाते थे। मैं इसे हाथ से ही मिक्स कर रही हूँ, आप लोग चम्मच से भी कर सकते हैं। ये बैटर है तैयार, लेकिन मैं ऐसे अभी बनाऊंगी नहीं, ये बनाऊंगी मैं शाम को गरम गरम। अभी भी बना करके रख सकते हैं लेकिन ठंडा उतना अच्छा नहीं लगता है जितना गरम अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें चावल का आटा है तो वो क्रिस्पी रहेगा और शाम के टाइम में क्रिस्पी टाइप कुछ खाने में तो अच्छा लगता ही है। तो ये मैं बनाऊंगी शाम को। रोज तुम इतना सामान लेकर के आती है और खाना नहीं खाती है, ये क्या तरीका हुआ? ग्लूकॉन्डी है वो। ये सब जो लेकर के आती हो रोज रोज, ये सब कुछ खाने से दोपहर को अच्छा बात नहीं है। मम्मी एक तो बात है, एक तो लड़का क्या कर रहा था पता है? दोपहर को साइकिल चलाने का टाइम है? नहीं नहीं है तो सब चला रहा है। गुड इवनिंग एवरीवन। तो शाम के बज रहे हैं अभी 7,
और मैं आ गई हूँ सुबह में जो वो पकौड़ा बनाने के लिए जो बैटर तैयार करके रखा था वही पकौड़ी बनाने के लिए। नवीन भी ऑफिस से निकल गए हैं, आता ही होगा, तो बना लेते हैं पकौड़े और साथ में चाय। पकौड़ा जब बनता है ना तो इतना इसका स्मेल मीठा सा और इतना पूरा घर में फैल जाता है कि ऐसा कहे कि आसपास के एक दो घर में फैल जाते हैं। तो इससे पता चल जाता है कि किसी के घर में ये पकौड़े बन रहे हैं। तो इसका जो स्वाद है ये भी बहुत टेस्टी होता है और इसका स्मेल भी बहुत मीठा सा और एक दो घर, जैसा कि मैंने कहा, एक दो घर तक महकने लगता है। ये बहुत अच्छे से पका है। इतना गर्मी है ना किचन में, तो क्या बोले, जन्नत तो इसका जो महक है ना, एक घर से दूसरा तीसरा घर चला जाता है। उसका बाकी है कि हमको अभी सर्दी है, महक मत लगाओ क्यों।